सो गाइस अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में दोस्तों अगर आप फंड ऐड कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आपका फंड ऐड नहीं हो रहा दोस्तों इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपका यहां पे दोस्तों इंडिया में अगर आपका फंड ऐड नहीं हो रहा मतलब पैसा ऐड नहीं हो रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों क्या कारण है कि आपका यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में दोस्तों आपका पैसा ऐड क्यों नहीं हो रहा। सो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ यहाँ पे लाइव करके बताने वाले लाइव करके दिखाने वाले और दोस्तों हम पैसा ऐड करके भी आपको दिखाने वाले हैं कि दोस्तों इसमें आप 2 मिनट के अंदर दोस्तों अपना पैसा ऐड कैसे करेंगे अपना फंड ऐड कैसे करेंगे कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगा ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप उस पर क्लिक करके दोस्तों आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा इस तरीके से अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से हम ओपन कर लें दोस्तों जैसे इस तरीके से अपने मोबाइल फोन को आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका जो मोबाइल फोन प्रॉपर इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे फंड का तो आपको फंड ऐड करना है तो आपको फंड पे क्लिक करना फंड पे जैसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपको जो बैंक इसमें लिंक है जो बैंक आप इसमें ऐड किए हैं आपका बैंक यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो मेरा एक SBI बैंक है तो SBI बैंक यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा जब दोस्तों आपका SBI बैंक इसमें शो हो जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमसे क्या करेंगे यहाँ से वैक आएंगे और यहाँ पे तो सिंपली दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरे वॉलेट में अभी 0-0 पे बैलेंस दिखा रहा है। हम पैसा ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है नीचे आने के बाद में आपको पैसा डायरेक्टली दोस्तों इसमें ऐड नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों एक प्रोसेस है पैसा ऐड करने के लिए। तो आपको यहाँ पे नीचे आना नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन हो जाएगा ऐड यहाँ पे दोस्तों कह रहे ऐड ब्लू अकाउंट यहाँ पे बेनिफिशियरी तो आपको यहाँ पे सिंपली दोस्तों एक अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और एक IFSC कोड जनरेट हो जाएगा और आपका नाम और यहाँ पे इस तरीके से पूरा डिटेल्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस बैंक यहां पे दोस्तों इस अकाउंट नंबर के थ्रू दोस्तों आप पैसा ऐड कर सकते हैं दोस्तों अपने इस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। तो आप पैसा ऐड कैसे करेंगे सिंपली आपको यहां से आपको वैक आ जाना वैक आने के बाद में अब आपको अपने एप्लीकेशंस को ओपन करना पड़ेगा जिससे आप पैसा ऐड करना चाह रहे हैं डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम फोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन करेंगे और यहां पे सिंपली क्या करेंगे बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे जैसे इस तरीके से हम क्लिक कर देंगे तो अब आपको सिंपली यहां पे ऐड बैंक पे क्लिक करना है। ऐड बैंक पे जैसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक उसमें लिंक है जैसे मेरा SBI बैंक लिंक है तो SBI पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पे अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली यहां से वैक आना वैक आने के बाद में अब आपको यहां पे अकाउंट नंबर को इस तरीके से कॉपी करना है कॉपी करने के बाद में अब आपको यहां पे सिंपली इस तरीके से अकाउंट नंबर को डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम अकाउंट नंबर डाल देंगे और यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे जैसे इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से गोल गोल घूमेगा। उसके बाद में दोस्तों कह रहा है कंफर्म अकाउंट नंबर तो अपने यहां पे दोस्तों अपने अकाउंट नंबर को यहां पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहां पे कंफर्म अकाउंट नंबर डाल देंगे दोस्तों इस तरीके से हम क्या कहें दोस्तों यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर डाल दिया डालने के बाद में अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा अपना अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ वैक आना और अपने नाम को इस तरीके से कॉपी करना है कॉपी करने के बाद में अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा अपने नाम को यहाँ पे पेस्ट करना है पेस्ट करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा प्रोसीड पे क्लिक करना प्रोसीड पे जैसे आप इस तरीके से क्लिक करते हैं तो आपका बैंक इसमें इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करना पड़ेगा दोस्तों इस तरीके से हम क्या करेंगे 1000 रुपये इस तरीके से हम डाल देंगे डालने के बाद हम पे पे क्लिक करेंगे पे पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपने बैंक का UPI पिन एंटर करेंगे और यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे अपनी UPI पिन को इस तरीके से डाल देंगे तो मेरा पेमेंट यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से सक्सेसफुली हो जाएगा। दोस्तों जब आपका पेमेंट इस तरीके से सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको ऐसे वैक आना वैक आने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अब आपको अपने डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन को ओपन करना उसके बाद में आपको जब पैसा दोस्तों उसमें ऐड हो जाएगा दोस्तों आपको जब पैसा $200 में ऐड होगा दोस्तों इस तरीके से अपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में दोस्तों आप पैसा इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप फंड इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।